हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जामल फाइल क्रिएट किए थे। तो मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी को प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किए थे, बट हमें जब इस पे क्लिक करते हैं तब नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन नहीं हो रही। ब्लैंक एक्टिविटी ओपन हो रही। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब इस पे हम क्लिक करें तो इस तरीके से हम एक्टिविटी को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सभी के लिए हमें एक एक एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी। मींस माउंट क्लाइंबर के लिए एक एक्टिविटी ओपन करनी होगी, इसके बेसिक क्रंचेस के लिए एक एक्टिविटी, हमें नियर अबाउट जो भी हमने एक्सरसाइज लिए थे 15 एक्सरसाइज लिए थे, हमें 15 एक्टिविटी अभी हमें क्रिएट करनी होगी। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले थर्ड एक्टिविटी डॉट जावा की तरफ, क्योंकि जैसे हम एक्टिविटी सेकेंड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमने इंटेंट पास किया था सेकेंड एक्टिविटी में। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंटेंट पास किया था सेकेंड एक्टिविटी में। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट होंगे थर्ड एक्टिविटी की तरफ। मीन्स हमें जो भी कोड लिखना होगा हमें थर्ड एक्टिविटी में लिखना होगा। तो चलिए चलते हैं हम थर्ड एक्टिविटी की तरफ एंड यहाँ से हम वेरिएबल को सबसे पहले सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग यूज करना है, स्ट्रिंग बटन वैल्यू। तो मैं बटन वैल्यू लिख देता हूँ एंड यहां से मैं कॉमा दे देता हूँ, सेमी कॉलम। एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऑन क्रिएट के अंदर हमें यहाँ पे कोड को टाइप करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटेंट यूज करना होगा, इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट, क्योंकि हमें सेकेंड एक्टिविटी को जो भी यहाँ पे डेटा रहेगा हमें यहाँ से इंटेंट से ले लेना है। तो इसलिए हमने गेट इंटेंट को यूज किया एंड इसको क्लोज करना होगा सेमी कॉलम से। आपको यहाँ पे भी बटन वैल्यू यूज करना होगा, जो हमने यहाँ पे बटन वैल्यू ली है स्ट्रिंग में, बटन वैल्यू इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग इज एक्स्ट्रा। उसके बाद में हमें वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हम सेकेंड एक्टिविटी में एक भूल गए थे कोड लिखना। तो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके नीचे हमें वैल्यू को पास करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोड लिख देता हूं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा डबल कॉमा वैल्यू, हमें यहाँ पे कॉमा देना होगा एंड स्ट्रिंग पास करना होगा ऐसे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वैल्यू। अभी हमारा कंप्लीटली यहाँ का कोड हो चुका है जो हम बोल गए थे सेकेंड एक्टिविटी के लिए। अभी हम डायरेक्ट यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे पास किए यही वैल्यू को हमें यहाँ पे यूज करना होगा थर्ड एक्टिविटी में। तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कोड हो चुका है। तो हमें यहाँ पे अभी सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा एंड नीचे आपको इंट इंटेंट वैल्यू यूज करना होगा। मीन्स हमें एक एक एक्टिविटी क्रिएट करना होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्विच कंडीशन यूज करना होगा। तो इंट वैल्यू मैं नेम लिख देता हूँ, इंट वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, हमें पास करना होगा इस बटन वैल्यू को। तो मैं पास कर देता हूँ बटन वैल्यू सेमी कॉलम। अभी हमें यहाँ पे स्विच कंडीशन यूज करनी होगी। तो मैं सबसे पहले स्विच लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें 15 एक्टिविटी को रन करना होगा। स्विच इंट वैल्यू, उसके बाद में आपको ब्रैकेट दे देना होगा। तो मैं ब्रैकेट दे देता हूँ एंड आपको यहाँ पे 15 केस यूज करना होगा, केस वन एंड यहाँ से आपको ब्रेक यूज करना है। इसको क्लोज कर देना है। बट यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको जो केस वन है इसके नीचे आपको कोड टाइप कर देना है, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट, आपको एक एक लेआउट यहाँ से सेट करते जाना है। बट अभी तक हमने 15 जो भी लेआउट है वो क्रिएट नहीं की, तो हमें एक एक करके हमें लेआउट क्रिएट करना होगा। तो मैं सभी लेआउट के सबसे पहले नेम लिख देता हूँ, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी VOW बो। सेम हमको कॉपी एंड पेस्ट करते जाना है एंड ऐसे हमें 15
लेआउट क्रिएट करना है तो मैं सबसे पहले केस क्रिएट कर देता हूँ 15 जो भी हमारे, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करते जाता हूँ, सेकेंड थर्ड ऐसे हमें 15 पेस्ट करते जाना है। ओके सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। ऐसे हमें 15 कंडीशन यूज करनी है, मीन्स लेआउट यूज करनी है केस वन, और यहां से आपको नेम चेंज करना होगा, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, केस सिक्स, केस सेवन, केस एट, केस नाइन एंड केस टेन, केस इलेवन। अगेन हमें फोर क्रिएट करना होगा केस, तो कंट्रोल भी आपको सबसे पहले कर देना होगा, तो मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर देता हूँ जो भी हमारा केस होगा, कंट्रोल सी से एंड नीचे पेस्ट कर देता हूँ फोर टाइम्स। ओके आपको यहाँ पे लिख देना है 12, 13, 14 एंड लास्ट 15। तो मैंने ऑल एक्टिविटी अभी क्रिएट कर दिया है, बट आपको ये ध्यान में रखना है जो हमने सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे यूज किए थे, हमने 15 यूज किए थे। ओके जो अभी हमने यहाँ पे साइकिल बनाए थे 15 यूज किए थे, इसलिए हमें 15 एक्टिविटी को अभी क्रिएट करना होगा एक एक। तो सबसे पहले मैं सभी का नाम दे देता हूँ एक एक करके, एंड बाद में हम रिसोर्स फाइल में जाके एक एक लेआउट क्रिएट करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम नेम दे देते हैं एक्टिविटी, सेकेंड आपको देना है पोस्ट, आप कुछ भी लेआउट का नेम ले सकते हो। तो मैं एक एक करके इसको सिक्वेंस वाइज दे देता हूँ, चेयर, चाइल्ड, कोबलर, एंड यहां से आपको नाम चेंज करते जाना है एक एक करके। ओके तो मैं अभी कर देता हूं इसका CAOW काउ, एंड बाद में हमें प्लेजी पॉजी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूं अभी, प्लेजी पॉजी, एंड मैं यहां से नीचे प्लैंक यूज कर देता हूं एक्टिविटी का नेम प्लैंक। सेटअप रोटेशन यूज करना पड़ेगा हमें यहां, एंड नीचे ट्विस्ट, एंड सेकेंड लास्ट वाइंड मिल एंड लेग अप पोज, लेग अप। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी एक्टिविटी का नेम क्रिएट कर दिया है, बट आपको ये ध्यान में रखना, हो सके तो जो आपने इसके आईडी यूज किए, मैं आपको आईडी दिखा देता हूँ माउंट क्लेम्बर की, जो हमने आईडी यूज किए थे वही मैंने एक्टिविटी क्रिएट कर दिया, जैसे बो BOW तो एक्टिविटी बो, एंड सेकेंड हमने यहाँ पे यूज किए थे, यहाँ पे इसकी आईडी आपको विजिबल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रिज, ओके तो हमने एक्टिविटी ब्रिज क्रिएट करना, ऐसे एक 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 क्रिएट करते जाना आपको। तो मैं इसको सबसे पहले एक्टिविटी ब्रिज कर देता हूँ, ओके एंड धड़म देख लेते हैं, इसकी आईडी का नेम क्या था, आईडी का नेम था चेयर। ओके तो हमने चेयर, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि आपको उसी का नेम यूज करना है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मैंने आईडी का ही नेम लिया, ठीक है, एक्टिविटी एंड उस आईडी का नेम ले लिया। तो हमें सबसे पहले हमें अभी जितने भी एक्टिविटी या फिर केस क्रिएट किए हमने, हमें एक एक करके अभी लेआउट फाइल में जाके हमें इसको क्रिएट करना है। तो मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड लेआउट में जाके इसको क्रिएट कर देता हूँ, लेआउट न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल,
एंड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो भी आपका नेम रहेगा। ओके, तो सॉरी मेरे से मिस्टेक हो चुकी है, आपको ये ध्यान में रखना है, इसको कॉपी करना है। ओके, कंट्रोल सी से अगेन आपको लेआउट में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, लेआउट रिसोर्स फाइल एंड जो भी उसका नाम रहेगा इसमें पेस्ट कर देना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो जो भी हमारा एरर था वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि अभी हमने एक्टिविटी क्रिएट कर दी है। तो आपको सेम सभी के लिए आपको एक एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, ऐसे 15 एक्टिविटी आपको क्रिएट करनी होगी। तो मैं जल्दी जल्दी से एक्टिविटी को क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं अभी तो आप देख सकते हो अभी मैं लास्ट एक्टिविटी को क्रिएट कर रहा हूँ। लेआउट में जाता हूँ, लास्ट न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने जितने भी यहाँ पे एक्टिविटी थे वो कम्प्लीटली क्रिएट कर दिए। अभी आपको एक एक एक्टिविटी के लिए आपको कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा एंड इसके लिए कोड लिखना होगा। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं कोड। बट आपको ध्यान में रखना है हम जो कोड लिखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे हम एक्टिविटी पे जो भी हमारा एक्टिविटी सेकंड रहेगा मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एक्टिविटी रहेंगे फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ओपन हो जाएगी। जैसे हम सेकेंड पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये सेकेंड एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। तो हमें इसके लिए यहाँ पे हर इसके लिए हमें कोड क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ कि हमारा लेआउट कैसा शो होगा। तो जब हम लेआउट को क्रिएट करेंगे तो ऐसा शो होगा। ओके, आई होप गाइस जो भी मैंने आपको थर्ड एक्टिविटी का कोड समझाया हो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।